हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधान के पिता ने लापता की रिपोर्ट दी तो प्रधान ने एसपी को भेजा मेल, ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का हवाला, बोली अपनी मर्जी से गई हूँ, वापस आऊंगी। बाड़मेर जिले के समदड़ी पंचायत समिति की प्रधान के चार दिन से गायब होने के बाद मामला अभी भी तेज चर्चाओं में है। प्रधान के पिता ने समदड़ी थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी प्रधान पिंकी चौधरी तीन दिन से गायब है। समदड़ी पुलिस उसकी तलाश कर रही है और पिंकी चौधरी की दूसरी शादी करने के फोटो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगे। इसी बीच शुक्रवार देर शाम बाड़मेर पुलिस के पास आए एक ईमेल ने सबको चौंका दिया। पिंकी चौधरी ने बाड़मेर पुलिस को ईमेल भेज बताया कि उसे पता चला कि उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई गई है, लेकिन वो अपने पति ससुर से प्रताड़ित होकर अपनी मर्जी से कुछ समय के लिए बाहर गई है और उसने लिखा कि मैं अकेली हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करें, जब मेरा मन करेगा तब वापस आ जाऊंगी। इस ईमेल के आने के बाद पुलिस और सतर्क हो गई है। हालांकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने यह कहा है कि अभी भी जांच का विषय है कि मेल उसने खुद ने भेजा है या किसी और ने भेजा। पुलिस इसको लेकर भी पूरी जांच करने में जुट गई है। गौरतलब है कि समदड़ी प्रधान पिंकी चौधरी के पिता ने समदड़ी थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी बेटी ससुराल से पीहर आने का कहकर निकली थी, लेकिन पीहर नहीं आई है, कहीं चली गई है। कई जगह उसकी तलाश करने के बाद भी सुराग नहीं है। मोबाइल फोन पर संपर्क करने पर फोन बंद आ रहा है। ऐसे में पुलिस ने एमपीआर दर्ज कर चौधरी की तलाश शुरू की थी। सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधान के शादी करने के फोटो वायरल हुए। अलग अलग तरह के फोटो डालकर कई लोगों ने लिखा कि पूर्व प्रधान ने शादी कर ली है। खैर, अब ये जांच का विषय है कि क्या वाकई में प्रधान को उसके ससुराल वाले परेशान करते हैं या फिर पिंकी चौधरी ने दूसरी शादी रचा ली है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए खीवल सिंह भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, इन्होंने ये कहा। पिंकी चौधरी प्रधान जो है समदड़ी की, वो तीन चार दिन से वहाँ से अपने घर से गायब थी। इस बात पे घर वालों ने पहले तो बताया नहीं और वो खुद तलाश करते रहे। उसके पश्चात उन्होंने थाने पे उनकी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दी थी। उस गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पुलिस उसकी जांच कर रही है। इसी दौरान एसपी ऑफिस में एक मेल प्राप्त हुआ है जिसमें हस्ताक्षर पिंकी चौधरी लिखा हुआ है और उसमें उन्होंने एक विवरण दिया है कि मैं स्वेच्छा से घर से गई हूं और पति और ससुर की प्रताड़ना के कारण से मैं गई हूं और मैं एकांत में हूं, कहीं भी सुरक्षित हूं और मैं वापस अपने आप आ जाऊंगी, मेरी तलाश नहीं की जाए और मैं कहीं गायब नहीं हूं। चूंकि उस मेल की हैंडराइटिंग से कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो स्वयं का भेजा हुआ है किसी अन्य का भेजा हुआ है, तो इसकी जाँच के सिलसिले में वो भी थाना अधिकारी समदड़ी को भेजा गया है और तथ्यों के बारे में गहराई से जांच की जा रही है कि हकीकत जो है वो क्या है। देखिए, सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ शादी की चल रही है उसमें मेल में उसका कोई विवरण लिखा हुआ नहीं है और स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं एकांत में हूँ और अपनी इच्छा से आई हूँ और स्वयं ही मैं वहाँ वापस आ जाऊँगी जब मेरा मन होगा। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।